आ जाओ। भाई सोई नहीं अभी तक? नहीं कुछ तबीयत अजीब सी थी, नींद नहीं आ रही थी। सुबह ऑफिस जाना है आपको? तो फिर सोने की कोशिश करें ना भाई, वरना तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। तुम क्यों नहीं सोई हो अभी तक? शहीर से फोन पे बात हुई अभी मेरी, अपसेट है लेकिन बता नहीं रहा क्यों। हानिया ऑब्वियसली वो सेट तो होगा ही ना, घर से बेघर है और उसे घर वालों ने उसको डिसोन भी कर दिया। यू नीड रेस्ट। किसका फोन है? बाबा इस वक्त? अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कौन सा अंकल? किसका अंकल? मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। अंकल आपकी जो मर्जी आप वो करें, बट आप बताएंगे आपने इस वक्त फोन क्यों किया? तुम्हें ये बताने के लिए तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक्सक्यूज मी अंकल, मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन की जिंदगी जरूर बर्बाद कर दी। अरे फाड़ में गई तुम्हारी बहन, मैं इस वक्त अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। उसकी तो कोख उजाड़ दी तुमने, लेकिन उसकी उजड़ी हुई कोख का बदला मैं लूंगा तुमसे, याद रख। क्या क्या कह रहे हैं अंकल आप? मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी और तुम लोगों ने मेरी बेटी से इतनी मुशक्कत ली कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। क्या अंकल शहजीन प्रेग्नेंट थी? इतने अनजान मत बनो मत, तुम्हें सब मालूम था। मेरी बेटी बार बार बेहोश हो रही थी, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसने कहा इसमें खून की कमी है। जाहिर है तुम लोगों ने सुलूक ही ऐसा किया उसके साथ। अंकल आप प्लीज मुझे बताएं कि शहजीन कहाँ है और डॉक्टर्स ने क्या कहा है? अब कहने सुनने को क्या रह गया है, बच्चा खत्म हो गया, वो बेहोश पड़ी है बेचारी। अंकल प्लीज इस तरह मत कहें, आप मुझे हॉस्पिटल का बताएं, मैं अभी हॉस्पिटल आता हूँ। हरगिज नहीं, मैं तो साया भी नहीं पड़ने दूंगा तुम लोगों का अपनी बेटी पर। मेरी बेटी की जरा तबीयत संभल जाए फिर मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। हेलो हेलो, क्या हुआ है भाई? शहजीन ठीक तो है ना? हानिया वो शहजीन वाज प्रेग्नेंट और